खबर कांकेर से, जहां नेशनल हाईवे 30 मार्ग के माकड़ी पुल जर्जर होने के कारण अब मार्ग को डायवर्ट कर दिया गया है, जिसके कारण मालगांव मार्ग में काफी ज्यादा वाहनों का आवागमन बढ़ गया है, जिसे देखते हुए मालगांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि मालगांव के चौक में सड़क किनारे आंगनबाड़ी, स्कूल और उप स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ आते जाते समय रोजाना बच्चे सड़क पार करते हैं। मार्ग डायवर्जन के कारण सड़क दुर्घटना होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ग्रामीणों ने मांग की है कि मार्ग में बैरिकेड्स और गतिरोधक के साथ पुलिस के जवान भी तैनात किए जाएं, ताकि किसी प्रकार से अनहोनी घटना ना हो। समस्या ये है कि जैसे माकड़ी का पुल है ना, माकड़ी का पुल खराब हो जाने की वजह से रूट डाइवर्ट करके शासन प्रशासन के द्वारा गाड़ी को हमारे गांव के ओर से ले जाया जा रहा है ना, जिससे आशंका अनहोनी की संभावना बढ़ गई है। इसलिए कि वहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र है, स्कूल है, आंगनबाड़ी है, बच्चे लोगों का दौड़ना हो रहा है ना, गाड़ियां बेलगाम दौड़ रही है, जिसके प्रकार जिससे क्या है आशंका आशंका होने की संभावना व्यक्त हो रही है। हम लोग इसी समस्या लेके आए हैं कि बच्चे लोग इधर उधर स्कूल से पास पर है, इधर उधर दौड़ते हैं, तो गाड़ी इतने दौड़ाते हैं कि हमारा